कोशिश करो यार, कोई कोशिश। अल्लाह की कसम है, दिन आने वाला है बड़ी जल्दी, ये कुछ भी नहीं रहेगा जी। ये सुलेमान इत्थे ही सुलेमान है, मिसबाई साहब इत्थे ही मिसबाई साहब ने, उत्थे कोई मिसबाई साहब नहीं होना। उत्थे मैं भी उस लाइन च खलोता होना, दो लाइन होनी है, ये ताड़ी मर्जी है केड़ी च खलोना है। एक लाइन केड़ी है, सूरज वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, किथे ने मुजरम सारे लियाओ। और एक और लाइन भी होनी है दूजी उनके लिए, अल्लाह क्या फरमाएगा, सलाम उन कौलम मिर रब्बिर रहीम। ताड़ी मर्जी है, जिदे च मर्जी खलो जाओ, इख्तियार है भाई तुझे। सलाम उन कौलम मिर रब्बिर रहीम वाली च खलोना है, यवम ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून वाली च, ये तेनू इख्तियार है। उन्हें तेरी रस्सी ढिली छड़ी दी, तू ये ना समझ के अगर तू मस्जिद में नहीं आ रहा तो वो तुझे बुला नहीं सकता, उसको आता है बुलाना, वो बुला सकता, लेकिन उसने तेरी रस्सी दराज कर दी। अच्छा जा बंदे, आ वक्त आएगा फिर तेन पूछांगे, इसलिए पूरी कोशिश करो हजरत जी कि कुछ हो जाए। हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला फरमाते, मैं हजरत सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला की अयादत के लिए गया। पता है सलमान फारसी कौन है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत चार लोगों की मुश्ताक है। हम दुआ करते हैं या अल्लाह जन्नत दे दे, लेकिन जन्नत दुआएं करती या अल्लाह जल्दी जल्दी है चार मैनू दे दे। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जन्नत चार लोगों की मुश्ताक है, मौला मुर्तदा शेर खुदा, हैदर करार, मौला मुश्किल कुशा, हजरत सैयदना अली उल मुर्तदा रदी अल्लाह तआला, दूसरा नंबर हजरत सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला, तीसरा नंबर हजरत सैयदना मिकदाद रदी अल्लाह तआला, चौथा नंबर हजरत सैयदना मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत चार लोगों की मुश्ताक है, लेकिन सुनो जिनके लिए हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत सलमान की मुश्ताक है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलमान मेरी अहले बैत में से है, फारस से थे ये, हजरत सलमान ने फारसी रदी अल्लाह तआला, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इतना नवाजा, फरमाया सलमान मेरी अहले बैत में से है। अगर हम नक्शबंदियों का शजरा पढ़ा जाए ना तो उसमें भी हजरत सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला का नाम मुबारक है। हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, इसका मफहूम है, फरमाते हैं हजरत सलमान फारसी बीमार थे, मैं आपकी इयादत के लिए गया तो कहते हैं रो रहे थे, कहते मैंने रोते देख के पूछा सलमान क्यों रो रहे हो? भाई तुम तो अगर इस बीमारी में मौत आ जाती है तो मौत के बाद तो फिलफौर जाके तुम सहाबा से मिलोगे और अपने महबूब अलैह सलाम से मुलाकात होगी, तुम क्यों रो रहे हैं? और हुजूर नबी अलैह सलाम इस हाल में इस दुनिया से पर्दा फरमा गए कि वो तुझसे राजी थे, फिर तेरे रोने की समझ नहीं आ रही मुझे सलमान। हुजूर फरमाते हैं जन्नत चार लोगों की मुश्ताक है, उनमें से हजरत सलमान आपका नाम है। महबूब अलैह सलाम फरमाते हैं सलमान मेरी अहले बैत में से है, फिर आप क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? तो आगे से हजरत सलमान ने फारसी कहते मैं इसलिए नहीं रो रहा कि दुनिया छूट रही है, या मैं मौत के डर से नहीं रो रहा, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि महबूब अलैहि सलाम ने हमसे वादा लिया था कि दुनिया ना जमा करना, और इस वक्त मेरे घर में कितनी दुनिया मौजूद है, मैं इस गम से रो रहा हूं। हजरत साद बिन अबी वकास फरमाते जब मैंने हजरत सलमान फारसी के घर को देखा तो सिर्फ एक बाल्टी थी घर में, सिर्फ एक बाल्टी थी घर जिससे वो वजू करते थे और जिससे वो कपड़े धोते, ये थे सिर्फ एक बाल्टी हुए हो तो रोन कि उस गुरु ने साढ़े को वादा लिया है कि दुनिया कट्ठी नहीं करनी, सारे मारो हजर अपने अपने गिरेबान चाती सी की नहीं कट्ठा कर लिया, सूद साढ़े घर, राम साढ़े घर, लोगों का अख खा के असी घर कट्ठा कर लिया सारा, बही क्या मुंह दिखाना तूने जा है, क्या मुंह दिखाना कल जा। श्री पुत्र अल्लाह राजी करो, अल्लाह मेरे कल भी गड्डी है लेकिन मैं हजूर के मिंबर से बैठा था, वहां राम की गड्डी नहीं है। मैं आज अगर किसी बंदे से तकरीर का 2 लाख रुपया मांगू मुझे लोग देने को तैयार है, लेकिन मैं कहना उस दिन आ तू पहले पहले मैं मर जा जिस दिन मैं किसी को 1 रुपया भी मंगा, अंदरज मैं नहीं इकट्ठा किया, मेरा आज दुनिया में नाम है, मेरा घर अज भी किराए थे वे, लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, असी भी नहीं किसी के ढिड तू कपड़ा चुकते हैं, चल रब ने भरम रखे है
लाल कट्ठा करियो, भुखे रह लियो, लाल कट्ठा करियो। ऐ चार दिन की जिंदगी जे, ऐ इटली दे सोफे ते जनाब, ऐ स्पेन की कराकरी, ये सब छड़ के जाना है मियाँ। उस कबर ते भी कुछ ला जिथे जाके रहना ही। मैं उस दिन 2008 में वालदा साहबा का इंतकाल हुआ दर, मैं उस दिन वालदा साहबा की कबर ते गया। मैं खौफ आए वे भाई, अंदर दे भेद ते रब भी जानता है, लेकिन मुझे अपने अल्लाह से अच्छा गुमान है। मेरे अल्लाह ने मेरी अम्मी को माफ कर दिया होगा, मेरा अपने रब से गुमान है। लेकिन हजरत जी फिर भी देख लो, तकरीबन 13 साल हो गए ने अम्मी जी ने उस सारे ने जाना है, भावें को आम है भावें कोई खास है। इसलिए अपने अल्लाह को राजी करो, साहिब सब का एक है, एक है, लाखों में कोई नहीं है, करोड़ों में कोई एक है। कोशिश करियो साहब नाल वफा करियो। और फिर मैं पढ़ता हूं ना जरा जी, असी ते मरला मरला जगह नहीं छड़ सके, ये हैं फिर वफा करने वाले। लामा मोहम्मद इकबाल सारा कुछ ही छोड़ दिया और कहा नहीं बस मुझे तू चाहिए। हैं तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। हैं आए और कमाल लिखा जी इकबाल, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। तू तो इत ही रह गए ना। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूं। सबसे पहला जो मैंने अपने घर से सीखा था, जिन कहते ना जिथे जमिया फतेहगढ़, जो अबू जी की तरफ से मुझे घर आया, मेरी छोटी बहन रहती है उसमें, तो वो पहले जगह वही है, उस पर पहले मेरे दादा बू के नाम की प्लेट थी इधर, चौधरी इलम दीन दी जगह है। दादा बू फोत हो गए, फिर मेरे अबू जी के नाम की प्लेट आ गई, इधर जगह जी मोहम्मद बूटे दी इधर, फिर अबू जी भी फोत हो गए, अजकल मेरे नाम की प्लेट है उधर, इधर ओदी जगह है। सारे सियाने बैठे दे, मेरी भी है कि मेरी भी कोई नहीं है। मैंने अपने 37 सालों में हजरत जी तीसरा नाम देखा उसी जगह पे, जगह वहां की वहां ही है। तीसरा नाम मैं एक दिन हजरत दी बारगाह चर्च की थी, मैं हजरत जी जगह एक ही है और उत्थे ही है, तीजी प्लेट लग गई है जगह उत्ते, ये है की है जगह उत्थे ही है, तीसरी प्लेट लग गई है, ये होन की डया है। मुझे फिर आपने एक शेर सुनाया, ठंडे पड़ गए, मुझे फरमाने लगे ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। तू मैं ही मुंडे चौड़े कर करके फिरने हैं, मैं मालक हाँ, तू मालक नहीं, तू माली, मालक होवे तू हकूमत पाकिस्तान के कागजा जिते मालिक है, लेकिन जेडे असल कागज उत्ते पे देने ना ओ तू माली है, जे असल कागज ने ना इजराइल अलैहि सलाम कल पे उत्थे तू माली लेके आना है, जगह उत्थे ही रहनी है, माली बदलेगा। दादा बू माली, पता नहीं जब दादा बू हिजरत करके कश्मीर से यहां आए उससे पहले कौन माली था उसका, अबू जी माली, फिर मैं माली, अब पता नहीं मेरे बाद कौन माली है। तू माली होके जी लाई आंडे हैं, माली तो नहीं जी लाता है, उसको पता नहीं कब माल कौन कट छड़ना है मैंने इस ड्यूटी। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे, सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। और हजरत जी आखिरी मिनट बात खत्म, देखो ये सियाने लोग थे हजरत, कीम खादिम अली तोती बोला जी अपने वक्त में, कीम खादिम अली साहब का जिसको कहते हैं ना तोती बोलना, तोती बोला कीम साहब रहमतुल्लाह ताला। आज भी आपके सियालकोट में पूरा रोड है बाबे के नाम पर, खादिम अली रोड हजरत, अपने वक्त की क्या क्या हस्ती होंगी इधर जी, एवं नहीं रोडों के नाम डलते इधर जी, बड़े बड़े लोगों ने कोशिशें की हमारे नाम पे भी कुछ हो जाए, एवं नहीं होता। खादिम अली रोड इधर जी, खादिम अली, और जो जगह है जहां कीम खादिम अली साहब बैठा करते थे,
जो प्रॉपर्टी को जानने वाले लोग हैं उनको पता है कि आज वो जगह करोड़ों की नहीं है, अरबों की जगह है, वो रोड के ऊपर जगह प्लाजे बन गए अब वहां कहीं। वो हकीम साहब सुनाया करते थे कि खादिम अली साहब का इंजीनियर मुरीद हो गया। भाई सबको अपने पीर से प्यार होता है, उसको भी था। एक दिन आ गया, आके अर्ज करता है, हजरत जी तुसी किसे रोड च भी जाके बह जाओगे ना, किसे जंगल च भी बह जाओगे, लोगों ने उत्थे भी आ जाना, बड़ी कीमती जगह है, इजाजत दवो मैं नक्शा बना के ले आवा, इत्थे प्लाजा बनाइए। शरत शरीयत में प्लाजे पे कोई ममानत नहीं है जी, बना सकते हैं आप। आगे से कीम खादिम अली साहब फरमान लगे, रहन दे यार असी नहीं प्लाजा बनाना। वो बंदा आगे सिर करता है, हजूर कोई वजह? फिर मैं यार असी अपने वड्डे अंकल एक गल सुनी है ते असी नहीं प्लाजा बनाना कोई। कहन लगा, हजरत जमाने के अंदाज बदले गए, नए साज हैं, राग बदले गए, हो सकता है जो बात आपने सुनी हो वो पुराने वक्तों की हो, जमाना बदल गया, जदीद दौर है, हो सकता है वो बात इस जमाने में काम ना करे। आपने फरमाया तू इस जमाने को छोड़, जो इस दुनिया का आखिरी दिन होगा ना तब तक ही वो बात ठीक ही रहेगी। वो कहता है, जनाब की सुने हैं तुसी अपने वड्डे अंकल? फरमान लगे, यार असी सुने हैं नाल नहीं लैके जान देंदे हैं, नाल नहीं लैके जान देंदे हैं, तो जिन्हें नाल ही नहीं जाना तो फिर उन्हें बनाना की, असी तो कट्ठा करन दे हैं जो नाल लैके जाना है। तुसी प्लाजा बनाओ मैं नहीं मोड़दा है, लेकिन पुत्र वो भी कट्ठा करो जड़ा नाल लैके जाना जी, प्लाजा इत्थे रह जाना जी, कार इत्थे रह जाना जी, गड्डियां सीटा सब इत्थे रह जाने, उत्थे नहीं जाना। और फिर जो मैं आगे भी पढ़ता हूँ, आज भी मैं उसी पे बस कर देता हूँ, कीम साहब दा शेर, जब तक चले खूब चलाई साय अपने दियारी, जब तक चले खूब चलाई साय अपने दियारी, ला सट फा जंजाला वाले दिला अल्लाह नल यारी है। यारी ला लो यार, यारी ला लो, वक्त जाता जी।